अगर बजट की कोई टेंशन नहीं है, पैसों की बात नहीं है और आपको चाहिए एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार जिसकी रेंज काफी ज्यादा हो, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं टॉप 10 बेस्ट ईवीज के बारे में जिसमें हाईएस्ट रेंज क्लेम की जाती है। कौन सी हैं वो ईवीज, क्या है उनकी मई 2023 की लेटेस्ट शोरूम प्राइस, सभी जानकारियां मिलेंगी आपको आज की इस वीडियो में। और साथ ही साथ आप ये कमेंट में जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सी एसयूवी या कौन सी कार को अफोर्ड कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं MG ZS EV की। एक बार फुल चार्ज करने के बाद इसमें आपको 461 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, यानी कि एक बार फुल चार्ज करने पर ये गाड़ी 461 किलोमीटर तक जा सकती है। एक्चुअल प्राइस शुरू होती है 23,38,000 रुपए से और 27,40,000 रुपए तक जाती है। साल 2023 में ही इसको बड़े अपडेट्स मिले हैं। इसके बाद जैगुआर आई-पेस, एक लग्जरी एसयूवी जिसमें 470 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है एक बार फुल चार्ज करने के बाद। यहां पर इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में आपको 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है और इसकी प्राइस है 1,20,00,000 रुपए और टॉप मॉडल के लिए इसकी प्राइस 1,24,00,000 रुपए तक जाती है। यहां पर अगली है ई-ट्रॉन एसयूवी वर्जन। एक बार फुल चार्ज करने पर ये एसयूवी आपको 484 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। 1,02,00,000 रुपए से प्राइस शुरू होकर के 1,26,00,000 रुपए तक जाती है। वहीं इसका जो GT वर्जन आता है, ऑडी ई-ट्रॉन GT, इसमें 500 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। जी हाँ, 500 किलोमीटर एक बार फुल चार्ज होने में। यहाँ पर इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 1,70,00,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद BYD Atto 3, इसमें आपको 521 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। ये एक बार फुल चार्ज करने के बाद 521 किलोमीटर तक जा सकती है। इसकी प्राइस है 33,99,000 रुपए से शुरू होकर के 34,49,000 रुपए तक जाती है। इसमें आपको 60.48 किलोवाट का बड़ा बैटरी पैक ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद BMW i4, 590 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। ये एक बार फुल चार्ज करने के बाद 590 किलोमीटर तक जा सकती है। साथ ही साथ प्राइजेस 73,90,000 रुपए से शुरू होकर के 77,50,000 रुपए तक जाती है। यहाँ पर ये एक सेडान है। इसके बाद ह्यूंडई की आयोनिक 5, 631 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। इसमें ये एक बार फुल चार्ज होने पर 631 किलोमीटर तक जा सकती है। एक घंटे में ये 0-80% तक चार्ज हो जाती है। 72.6 किलोवाट आर का बैटरी पैक यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। प्राइस 44,95,000 रुपए से शुरू होती है। इसके बाद BMW i7, 625 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर आपको मिल जाती है। ये एक बार फुल चार्ज करने के बाद 625 किलोमीटर तक जा सकती है। ये 7 सीरीज का ऑल इलेक्ट्रिक वर्जन है जिसकी प्राइस 1,95,00,000 रुपए है। इसके बाद किया EV6, 708 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। एक बार फुल चार्ज होने पर यह 708 किलोमीटर तक जा सकती है। 18 मिनट में ये 0-100% तक फुल चार्ज हो जाती है। साथ ही साथ 350 किलोवाट तक के DC फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर इसमें आपको काफी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है और एक बड़ा बैटरी पैक ऑफर किया जा रहा है। तगड़ी रेंज भी देखने को मिल रही है, यानी इतनी लग्जरी कार्स में ये निकल करके आई है जो कि कुछ अच्छे प्राइजेस पर आपको मिल जाती है। 60,95,000 रुपए की प्राइस पर इसको लॉन्च किया गया है और इसका टॉप मॉडल 65,95,000 रुपए की एक्चुअल प्राइस पर मिल जाता है। नंबर 1 है मर्सिडीज बेंज EQS, 857 किलोमीटर तक जा सकती है ये एक बार फुल चार्ज करने के बाद। ये 200 किलोवाट के चार्जर से 10-80% तक केवल आधे घंटे में चार्ज हो जाएगी। बात करें इसके प्राइजेस की तो 1,60,00,000 रुपए से शुरू होकर के 2,45,00,000 रुपए तक जाती है। तो ये थी टॉप 10 हाईएस्ट क्लेम रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार्स जो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में अभी अवेलेबल हैं। इनमें से आप कौन सी अफोर्ड कर सकते हैं उनके नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आप बजट वाली गाड़ियों का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर से कर देना, हम डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए जरूर से लेकर के आएंगे।